नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24x7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल स्वतंत्र। SC ST एक्ट के विरोध में पीलीभीत में जोरदार प्रदर्शन, बाजार में पसरा रहा सन्नाटा, व्यापक असर देखा, पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। देश भर में सरकार के विरुद्ध गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटकर SC ST एक्ट पर सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की तुलना सवर्ण संगठन कांग्रेस द्वारा शाहबानो प्रकरण में लाए गए निर्णय से कर रहे हैं और आरोप है इस मामले में सब पार्टियां एक मत हैं। एक ओर जहां नोटा को सरकार कांग्रेस की साजिश बता रही है, वहीं प्रदर्शन में सबसे ज़्यादा भाजपा ही मानसिकता के लोग ही दिखे। पीलीभीत आज SC ST एक्ट पर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अपमान अध्यादेश लाकर सवर्ण OBC समाज के विरुद्ध सरकारी साजिश के विरोध में पीलीभीत जनपद में सवर्ण समाज OBC समाज के संयुक्त प्रयास से बाजार बंद कराया गया। इसमें क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज, कुर्मी समाज, श्रीवास्तव समाज सभी ने अपना प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान बार काउंसिल पीलीभीत के अधिवक्ताओं ने सामूहिक हड़ताल पर काले कानून का विरोध करते हुए संयुक्त रूप से जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की केंद्र सरकार इस काले कानून को वापस ले। काली पट्टी बांधकर किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वरीयता दे, अन्यथा यह लड़ाई केंद्र सरकार के विरुद्ध जारी रहेगी। सभी एकत्रित होकर चावला चौराहे से स्टेशन रोड, JP रोड, चूने वाली गली, गैस चौराहे, सुनगढ़ी थाने होते हुए कचहरी पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर महामहिम राष्ट्रपति को काले कानून को हटाने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर PD सिंह ने कहा, अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। उन्होंने कहा, यह संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा और आंदोलन को गति देने के लिए एक कोर कमेटी का भी गठन किया जाएगा। इस मौके पर व्यापार मंडल चेयरमैन संजय पांडे ने कहा, 22% को गलत अधिकार देकर 78% जनसंख्या की अवहेलना करने का जो काम सरकार ने किया है वह असहनीय है और इसे वापस लेना ही होगा। जनसंघ के समय से भाजपाई रहे बुजुर्ग भी सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे। होने के बाद पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी, उसके बाद गिरफ्तारी होगी। लेकिन उसे भारत सरकार ने पलट के ऐसा कर दिया कि FIR होगा, तुरंत गिरफ्तारी होगी, जांच नहीं होगी। तो इसके विरोध हम लोग हैं, SST विरोध में। ये गलत कानून है, तो काला कानून, इसे वापस लेना चाहिए। इसके विरोध हम लोग हैं, इसे भारत बंद किया हम लोगों ने। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके धरने प्रदर्शन से सरकार को असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। यूनाइट है तो बिल्कुल पड़ेगा, संगठन में शक्ति है, नहीं तो चक्का जाम करेंगे। अगर भाजपा केंद्र सरकार ये एक्ट संशोधन वापस नहीं लेगी तो पूरा सवर्ण इस मानने वाले सवर्ण OBC सभी आने वाले लोकसभा चुनाव में नोटा का प्रयोग करेगा। अरे मेरा वोट बना है, जब से मेरा वोट बनाया लगातार मैं BJP को वोट दे रहा हूँ, लेकिन इस बार इस संशोधन द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो पलटा गया है इसके विरुद्ध मैं खड़ा हूँ और आज के बाद कभी BJP को वोट नहीं दूंगा अगर नहीं हटाया गया। भारत माता की। देखो बहुत कुछ सहना पड़ेगा। बोले अब BJP नहीं समझ रही, राहुल गांधी कहला रहे हैं, इन्हें नहीं समझ में आ रही है। हमारे गांव काफी होता है BJP को, लोकतंत्र की राजनीति में BJP को इससे लाभ होगा या हानि होगी इसका आंकलन BJP कैसे कर गई, क्या कहते हैं, मेरी समझ नहीं आता। इसमें पता चल जाएगा, है ना। तो इस देश के निवासी हैं और बिना कोई भी हमारे खिलाफ आकर के कुछ भी कंप्लेंट कर दे डिलिबरेटली तो होते हैं तुरंत नब गए। जानबूझ करके कोई करा सकता है हमारे खिलाफ, जो हमारा दुश्मन है वो किसी को पेश कर सकता है पैसा। लोगों को खुश करने के लिए 78% बंद राज किया जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा बताइए। BJP हारेगी, हमने BJP को आज तक वोट दिया है, वोट समझ जिंदाबाद। एक तो ये लड़ाई सवर्णों की पिछड़ों की नहीं है, मुझे लगता है ये राष्ट्र की लड़ाई है। जब एक कर्नल को जो देश के लिए कई युद्ध लड़ता है, जिसको कई वीरता पुरस्कार मिले और उसको फर्जी SC ST एक्ट में जेल भेज दिया जाता है, तो ये एक राष्ट्र की लड़ाई हो जाती है, एक सैनिक की लड़ाई है, पूरी सेना की लड़ाई है। इन फर्जी कानूनों के आधार पर जब ऐसे कर्नल जैसी रैंक से रिटायर्ड लोग नहीं बख्शे जा रहे हैं तो हम जैसे सामान्य लोगों का क्या होगा। ये लड़ाई है भारत माता की। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पीलीभीत के सहित पूरा सवर्ण समाज और पूरा पिछड़ा वर्ग समाज हमारा इस SC ST एक्ट का विरोध करता है और आगे आने वाले चुनाव में इसका भाजपा को नुकसान भी होगा। इतिहास गवाह है, इसका हमेशा दुरुपयोग ही हुआ। कि सुप्रीम कोर्ट के दिए वर्डिक्ट में क्या कमी थी, क्या कमी थी,
इतिहास गवाह है कि SC ST एक्ट का हमेशा दुरुपयोग ही हुआ है, और दुरुपयोग की हद यह है कि सिर्फ पैसे के लिए लोग फर्जी FIR कराते हैं और लोगों को जेल भिजवाते हैं, फिर बाद में समझौता करते हैं और पैसा पार्टी से भी ले लेते हैं, सरकार से भी पैसा लेते हैं। इसका सिर्फ दुरुपयोग होता है, हम सब इसको सहन नहीं कर सकते, हम सब इसका विरोध करते हैं। तर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा पूरा जीवन इस संगठन की सेवा करते हुए विश्वेंदू प्रसाद सेवा भारती, हिंदू जागरण मंच और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विविध महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुका हूँ, लेकिन इस कानून के कारण से, एक्ट के कारण से आत्मा को इतना कष्ट हुआ है कि वो नहीं, ये नहीं देखेगा कि ये भाजपा का है या बसपा का है सपा का है, और उसको जो है जब धारा लगा दी जाएगी तो उससे माने कि पीड़ा सबको होगी, इसलिए इस कानून के विरोध में मैंने खड़ा हुआ हूँ। अगर मुझे इस संगठन से भी अगर छोड़ना पड़ता है तो मुझे कोई क्लेश नहीं होगा, मैं इस एक्ट के विरोध में हमेशा जो है संघर्ष करूंगा और करता रहूंगा और पूरे समाज को खत्म करूंगा। भारत माता की। अरे वो कहाँ गए? हरिओम हरिओम काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। उसके लिए कि गिरफ्तारी ना हो, पहले जांच हो फिर गिरफ्तारी हो। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसे ठीक रखा, अवहेलना उसकी है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। डिड कर दिए, डिम साहब बुला लिया था, सही जगह मिलता है। एक्ट के विरोध में आप लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया, ज्ञापन में क्या मांगी गई है? ज्ञापन में यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको बरकरार रखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया जाए, और मैं इस ST एक्ट का विरोध करता हूँ, और आगे अभी और भी रणनीति हम लोगों की बनेगी, हो सकता है कि हम लोग दिल्ली लखनऊ तक कुछ करें।